ये देखिए, ये है IIIT ग्वालियर का कैंपस। लेकिन जैसा कि देख सकते हैं, ये बस बाहर का एक पोर्शन है, मतलब बाहर का एक गेट है। यहाँ पे दूर दूर तक आप देखोगे, बहुत ही बड़ा कैंपस है इनका। 160 एकड़ का ये कैंपस है। और ये मतलब कॉलेज का जो गेट होता है, मेन गेट कह सकते हैं आप इसको, बस मेन गेट है ये। अभी हम जा रहे हैं यहाँ से दूसरे कैंपस की तरफ। अभी हम आपको बहुत कुछ दिखाने वाले हैं इस कैंपस में, क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या क्या है, मतलब एक बार के लिए आपका दिल आ जाएगा इस कैंपस पे। मेरा तो बस यही मानना है। ये देखिए, ये कैंपस का एक बस छोटा सा हिस्सा मैं आपके सामने दिखाने जा रहा हूँ। और मतलब ये पता नहीं, ये कैंपस मतलब आज मैं आए हुए 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन ये इतना बड़ा कैंपस है, इतना बड़ा कैंपस है, जहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ वहाँ तक इसका कैंपस ही है सिर्फ। इधर भी और दूर दूर तक। और मतलब सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये ग्रीनरी मतलब जो है ना यहाँ की, लाजवाब है। ग्रीनरी की जो हम बात करें तो काफ़ी अच्छी, मतलब मज़ा आ जाए, मतलब वर्ड्स नहीं है इस कैंपस को एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास। मतलब इतने बेहतरीन कैंप, मतलब इतना बेहतरीन कैंपस मैंने आज तक नहीं देखा था। चलिए आज मैं आपको इस कैंपस के बारे में और एक बात बताता हूँ। इस कैंपस में अमरूद के पेड़ बहुत ज़्यादा हैं, मतलब ये आप देख पा रहे होंगे, हर जगह अमरूद ही अमरूद है। यही नहीं, ये देखिए, हर तरफ अमरूद ही अमरूद, हर तरफ ही अमरूद। ये मतलब यहाँ पे फूलों की तरह जो ये गिरे हुए हैं, ये भी एक तरह से क्या, मतलब ये भी अमरूद ही हैं। और मतलब देखो, मैं सर मारता हूँ। देखो जो मतलब बात है ना अमरूद में, ये काफ, और यही नहीं, इनके साइज देखिए आप, काफी लाजवाब। मतलब आम के पेड़ों में जितने आम नहीं होते, उससे ज्यादा तो इनके छोटे छोटे टहनियों में इतने इतने अमरूद हैं। मतलब ये देखो आप, ये देखो कि अमरूद मतलब लाजवाब। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि आज जो है हम तोड़ने, मतलब फुल थैली भर के दिल्ली ले जाने वाले हैं। ये तो जो बात है, आपको सच सच सच्ची बात आपको बता रहा हूँ कि भाई ग्वालियर के अमरूद तो मतलब मज़ा आ जाएगा खा के। और कल हमने तोड़ के खाए भी थे, हमने ही नहीं, यहाँ तक कि जो सीनियर्स थे, और मतलब सीनियर्स के भी अलावा जो मतलब बाकी लोग थे, प्लस जो कंपटीशन में आए हुए थे, सब यहाँ के अमरूद तोड़ तोड़ के खाते हैं लाजवाब। मतलब थैली तो भरनी है भाई यहाँ के अमरूदों से, उसके बिना तो कुछ काम होना ही नहीं है अपना। और गाइज, अभी मतलब हम जा रहे हैं दूसरे कैंपस की तरफ। ये देखिए, ये मतलब एक बड़ा ही खूबसूरत कैंपस, जो मैं आपको कह रहा था पहले से ही। आप ये देखो, मतलब ग्रीनरी तो काफ़ी है इस कैंपस में। जो बात है कि कैंपस भाई लाजवाब कैंपस है, दूर दूर तक आप देखो ना, मतलब जैसे एक मतलब कॉलोनी, तो मैं गलत वर्ड बोलूँगा, एक सिटी को बसाया जा सकता है, इतना बड़ा कैंपस है ये। यहाँ ये जो आपको दिख रहा है, ये है गर्ल्स हॉस्टल, ठीक है। और मतलब ये देखिए, ये मतलब गर्ल्स हॉस्टल है यहाँ का। और मतलब जो बोल है ना कैंपस की, तो बात ही मतलब निराली है। ये आप देख पा रहे होगे, गर्ल्स छात्रावास लिखा हुआ है। ये मतलब गर्ल्स हॉस्टल, मज़ा आ जाएगा देखिए। सिर्फ ये गर्ल्स हॉस्टल ही नहीं, यहाँ पे चार, मेरे हिसाब से चार बॉयज़ हॉस्टल भी हैं। और उन मतलब वो तो मतलब वो भी लाजवाब है, मतलब उनकी जो व्याख्या की जाए उन हॉस्टल्स की, वो भी बहुत कम है। देखो दूर दूर तक मतलब ग्रीनरी 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 ग्रीनरी, ओनली ग्रीनरी है यहाँ पे। मतलब लव इट, आई लव दिस कैंपस। और ड्रीम भी है मेरा कि भाई अब तो इस कॉलेज में एडमिशन लेना है अपने को, ठीक है। ये जो आप सामने घर देख रहे होगे, ये यहाँ के टीचर्स का घर है। और मतलब जो भी है यहाँ पे, और यहाँ पे यही नहीं, यहाँ पे टीचर्स को खेती करने के लिए भी मतलब दे रखा है कि अगर आप चाहते हो तो आप खेती भी कर सकते हो। ये देख पा रहे होगे आपकी, बहुत सारे मतलब टीचर्स खेती भी करते हैं यहाँ पे, कि अच्छी बात है। मतलब खेती करना कि हम खुद से मतलब उगा रहे हैं किसी भी चीज़ को, फर्टिलाइजर से, मतलब मजाक नहीं, खेती करना कोई ख़राब बात नहीं है। और मतलब खेती करने के बाद ये खुद उग जाते हैं, खाते हैं खाना को, तो अच्छी बात है। और ये देखो मतलब दूर दूर तक इनका जो टीचर्स का भी जो है, मतलब काफ़ी काफ़ी अच्छा। और ये ही नहीं, इस कैंपस की एक और मतलब मज़ेदार बात है कि इस कैंपस में मोर काफ़ी मिलेंगे आपको, ठीक है। ये एक देखो, वो दूसरा दिख रहा है। और ऐसे ही मतलब यहाँ पे जो पूरा कैंपस है, उस कैंप पूरे कैंपस में मोरों की कमी नहीं है, ठीक है। तो मतलब लाजवाब कैंपस है भाई, यही बोलूँगा। मतलब मज़ा आ जाएगा आपको इस कैंपस को देख के।
देखो दोस्तों, मैं आपको एक और चीज़ दिखाने वाला हूँ। मैं जो कह रहा था कि यहाँ पे मोरों की कमी नहीं है, ये आप देख पा रहे होगे। ये देखो, एक यहाँ पे एक ऊपर की तरफ मतलब उड़ गए। ये तो अभी शायद डर गए मेरे से, तो उड़ चुके हैं। लेकिन मतलब बता ना कि मोर भी बहुत है लाजवाब कैंपस यार, मतलब व्याख्या नहीं की जा सकती इस कैंपस की। जो मज़ेदार मतलब मज़ा आ गया मुझे इसका, मतलब ग्रीनरी देखो। सबसे बड़ी बात यह है कि किस आजकल के टाइम में मतलब एक ग्रोइंग पॉपुलेशन के बाद भी इस कैंपस में इतनी ग्रीनरी है, और मतलब बढ़िया लगा मुझे तो कैंपस भाई, मज़ा आ गया। ये देखो, मैं आपको कहने जाता हूँ इसमें मतलब लोग अपनी भी खेती करते हैं, मतलब क्या ब्यूटीफुल तरीके से इन्होंने अपने गार्डन को डेकोरेट किया हुआ है। मतलब भाई मज़ा आ गया, जो इन्होंने गार्डन मतलब बहुत बढ़िया तरीके से गार्डन को डेकोरेट किया हुआ है इन्होंने, ठीक है। और फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं IIIT ग्वालियर के दूसरे कैंपस में, मतलब जो इनका दूसरा हॉस्टल प्रो है, दूसरा जो कैंपस है ये एक मतलब रोड क्रॉस करके है। वैसे तो इसकी दूरी आगे से भी है, लेकिन मतलब डिस्टेंस काफ़ी है, लेकिन बीच का इन्होंने एक दरवाज़ा खोल दिया था, तो जिसकी वजह से मतलब काफ़ी बढ़िया तरीके से है। ये देखो, ये है इनका मतलब एक हॉस्टल, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। और ये दूर दूर तक देखो, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, ये दूर दूर तक ये हॉस्टल ही है इनका मतलब। और हॉस्टल में भी जो है काफ़ी बढ़िया हॉस्टल बना रखा है इन्होंने, अंदर से भी काफ़ी बढ़िया फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है। बाकी तो सही है, लव भाई मज़ा तो आ ही गया। मैंने तो एक मतलब बोला ही आपको इतनी बार कि कैंपस तो काफ़ी बढ़िया है। और ये देख पा रहे हो गया कि आप दूसरा मतलब ये हॉस्टल है, बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने ऑर्गेनाइज किया हुआ है हर एक चीज़ों को, ठीक है। और अब हम चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी कॉल IIIT ग्वालियर के ही कैंपस का अंदर का व्यू दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। बाय फ्रेंड्स, सी या, गुड बाय।